हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, दिल्ली में नई भर्ती निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर रोज़ सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती ऐप की आई है सभी जातियों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए है। लास्ट डेट 15 अप्रैल है और आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये भर्ती आपके निकली है दिल्ली में। इसमें अनेक प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्क स्टाफ और कर सहायक के पदों पर ये भर्ती निकली है। ऑफलाइन दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, महिला और पुरुष कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस भर्ती में अप्लाई करने की कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है वो 14 है, 14 वैकेंसी बताई गई इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और जो भारतीय नागरिक है खेल कोटे से स्पोर्ट्स के बेस पे जो फॉर्म भरना चाहते हैं, केवल वे ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मल्टीटास्क स्टाफ की है दोस्तों, एज 18 से 27 साल है और वेतनमान 5200 से लेकर 20200 का ग्रेड पे है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 18 से 30 साल एज है, 9300 से लेकर 34800 का ग्रेड पे है। स्नातक पास, ग्रेजुएशन पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों, कर सहायक की वैकेंसी है, 18 से 27 साल एज है, 5200 से लेकर 20200 का वेतनमान है, ग्रेजुएशन पास तथा आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड के 2 की वैकेंसी है, 18 से 27 साल इसमें एज बताई गई है और वेतन वही आपका 5200 से लेकर 20200। इसमें दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, साथ में आपकी हिंदी या अंग्रेजी स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो आपकी एज की काउंटिंग है वो 1 अगस्त 2020 इस डेट को काउंट की जाएगी, ठीक है। और फार्म भरने की कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। और दोस्तों, आपको फार्म कैसे भरना है दोस्तों, आप vacancyform.com वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके इस भर्ती का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के आप 15 अप्रैल तक आप इस एड्रेस पर जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साधारण डाक के द्वारा भी आप जमा करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी आप करा सकते हैं और रजिस्टर्ड डाक से भी करा सकते हैं और आप पर्सनल जाके भी आप जमा करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ लगाने हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। पढ़ाई के कागज़ आपको लगाने हैं, जन्म का प्रमाण पत्र और जाति का प्रमाण पत्र, खेल का प्रमाण पत्र जिसके ऊपर आप नौकरी लेना चाहते हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और साथ में दोस्तों एक खुद का पता लिखा ले पापा भी आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है, पद का नाम आपको अवश्य लिखना है, आवेदन वाले लिफाफे पर, फार्म को बड़े अक्षर में भरना है। जो आवेदक है वो एथलीट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बॉडी बिल्डिंग या क्रिकेट में से किसी भी खेल का खिलाड़ी हो। यदि उपरोक्त खेल के योग्य खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते तो अन्य खेल के खिलाड़ियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है, ठीक है जी। आवेदक ने खेल योग्यता 1 जनवरी 2015 के बाद तथा 31 दिसंबर 2019 से पहले प्राप्त की हो, खेल सत्र व योग्यता के लिए विभागीय नोटिस देखें, ठीक है ना। और आप इस वेबसाइट से भी दोस्तों जो है फॉर्म है अपना भर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों फॉर्म निकले हैं दिल्ली में, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, महिला और पुरुष कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का इसमें शुभ रहे।